मीरा भाईंदर में कल सुबह से करीब 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ट्रैफिक की बहुत तकलीफ। भाईंदर पश्चिम स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सत्संग में उनके भक्तों की भीड़ की वजह से हो रही है। उनकी अनगिनत गाड़ियां इस सत्संग के कार्यक्रम में आ रही है और इस वजह से स्थानीय लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उनके वॉलंटियर ट्रैफिक कंट्रोल करने खड़े होते हैं, पर फिर भी ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पाता। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि किस तरह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। सबसे ज़्यादा स्कूल बसों की दिक्कत होती है। आप देख सकते हो कितने स्कूल की बस इस ट्रैफिक में दिख रही है। स्कूल के बच्चों को स्कूल पहुँचना या स्कूल से घर पहुँचना बहुत तकलीफ हो जाती है और उस वजह से उनके गार्डियंस जो उनकी राह देखते हैं घर के नीचे कि स्कूल से बच्चे आएंगे वापस, उनको भी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। काशीमीरा रोड से ही ट्रैफिक जाम हो जाता है, पर दीपक हॉस्पिटल से गोल्डननेस सर्कल सिग्नल तक आते आते पूरी तरह से जाम हो जाता है। जहां 2 से 5 मिनट लगते हैं, वहां से पार करने में कम से कम 30 मिनट लग रहे थे। सर्कल सिग्नल पर 5 रास्ते मिलते हैं, एक फाटक रोड, दूसरा इंद्र रोड, तीसरा लोडा रोड, चौथा काशीमीरा मेन रोड, पाँचवा भाईंदर ईस्ट वेस्ट फ्लाईओवर। और इसमें सत्संग ब्यास से फ्लाईओवर ब्रिज की तरफ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लोड हो जा रहा है, क्योंकि सत्संग छूटने पर वो सब हाईवे की तरफ निकलते हैं। नतीजा सर्कल पर पूरी तरह से जाम हो जाता है। जाम होने से स्थानीय लोगों को भी मजबूरन अपना समय बर्बाद करना पड़ता है। इसके अलावा भाईंदर पश्चिम में मैक्सिस वॉल से फ्लाईओवर तक भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर भाईंदर पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम आना जाना हो तो इस ट्रैफिक जाम में बुरी तरह से फंसना पड़ता है। यह हर वर्ष इनके कार्यक्रम की वजह से लोगों को सामना करना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन और आरटीओ डिपार्टमेंट को इस तरीके से स्थानीय नागरिकों को तकलीफ न हो उसका कुछ मार्ग निकालना चाहिए। मैं दिनेश कोकल, MBMC 24 न्यूज़।